तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो वेलकम टू 38th एपिसोड ऑफ एलएमवी की न्यूज़। तो आज ही बहुत सारी मेजर न्यूज़ हैं, तो थोड़ा लास्ट तक देखना। तो लेट्स बिगिन। तो अपनी पहली न्यूज आ रही है आई स्पिरिट सॉर्सरर शेयर रूल दी वर्ल्ड मार्क के बारे में। तो इसको एनए मिलने वाली है जनवरी 2023 में। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है लैक्रोस रिकॉइल के बारे में। तो एनीमे हाल ही में एंड हुई थी और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि पहले इसे एक नोवेल, फिर मांगा और अब एक स्पिन ऑफ मांगा अनाउंस कर ली गई है, जिसकी स्टोरी टेक प्लेस करेगी उनकी डे लाइफ के अराउंड। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है माय लव स्टोरी विद यामादा कुन एट लेवल 999 माह के बारे में। तो इसको भी एनीमे मिलने वाली है स्टूडियो मैड हाउस के द्वारा, जो कि 2023 में आ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि लुकिज़म के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस मानवा है जिसको भी एनीमे मिलने वाली है स्टूडियो मिर के द्वारा में। तो ये स्टोरी एक अनट्रेटिव बंदे के बारे में जो उड़ते अट्रेटिव बॉडी के अंदर और जो पूरी स्टोरी थी इसके अराउंड टेक प्लेस करती है, और जो इसकी एनीमे थी वो 4 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आइसन फ्लगर नोवा सीरीज के बारे में। तो उसको एक एनीमे मूवी मिलने वाली है जो कि स्टूडियो एवन प्रोड्यूस करेगा, और इसका जो प्लॉट है ऐसे वाले में टेक प्लेस करता है जहाँ पे ड्रैगन स्काई को रूल करते हैं और एक ह्यूमन चैलेंज करता है, और जो पूरी स्टोरी है इसी चैलेंज के अराउंड टेक प्लेस करती है। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है ऑन मेजी नोवल के बारे में। तो इसको भी एक एनीमे मिलने वाली है जो कि 2023 में नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, और इसको पहले भी मांगोलाइजेशन मिल चुकी है बट फाइनली इसे एक एनीमे मिलने वाली है। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है टू क्यूट क्राइसिस के बारे में। तो इसको भी एनीमे मिलने वाली है 2023 में, जो कि स्टूडियो सिनर्जी एसपी देगा, और इसमें जो स्टोरी है वो इसी के अराउंड टेक प्लेस करती है जिसे अर्थ से स्पेस में भेजा जाता है एक किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट वहाँ मिलती है वो कैट से जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और जो पूरी स्टोरी थी उसी क्यूटनेस अराउंड टेक प्लेस करती है। तो आज मांगा में इतनी न्यूज़ थी। तो अपनी पहली एनिमे न्यूज़ आ रही है बफूरी के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे है जिसका सीजन 2 आ जाएगा जनवरी 2023 में। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है रुनरू केंशन के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी एनिमे है जिसको रिबूट मिलने वाला है स्टूडियो लेडन फिल्म्स के द्वारा, और इसकी पहले लाइव एक्शन भी आ चुकी हैं, तो देखते हैं रिबूट कैसा रहता है। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है टोक्यो म्यू म्यू न्यू के बारे में। जो सीज़न 2 था उसे अनाउंस कर लिया गया है अप्रैल 2023 के लिए। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है फेयर स्ट्रेंज फेक विस्पर्स ऑफ डॉन के बारे में। तो एक टीवी स्पेशल एनिमे होगी जिसे अनाउंस कर लिया है। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये है बनी गर्ल्स एम्पायर के बारे में। तो फाइनली जो सीक्वल था उसे अनाउंस कर लिया गया। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है द वे ऑफ हाउस प्रेजेंट के बारे में। सीजन 2 था उसे अनाउंस कर लिया गया जनवरी 2023 के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अग्रिसु के बारे में। जो फाइनल सीजन था वो फरवरी 2023 से नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जुनजी इतो मैनियक टेल्स ऑफ मैकपेरे के बारे में। तो जनवरी 19, 2023 से नेटफ्लिक्स पे शुरू हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कैपकॉन की गेम उनिमुशु के बारे में। तो उसकी एनीमे मिलने वाली है जो कि नेटफ्लिक्स देगा। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है सॉर्सर स्टैबर ऑर्फन के बारे में, जो सीजन 3 था चाओस इन अर्बन ड्रामा, उसे अनाउंस कर लिया गया है 2023 के लिए, जो कि स्टूडियो डीन देगा। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जायंट बीट्स ऑफ एड्स के बारे में। तो एक ओरिजिनल एनीमे है जिसे अनाउंस कर लिया गया है 2023 के लिए। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है डेविल इज़ पार्ट टाइम का सीक्वल के बारे में, जिसे अनाउंस कर लिया गया है 2023 के लिए। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई मूवी हो गया फिर सीज़न, तो देखते क्या होता है। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है दानमाची के बारे में। जैसे तो सीज़न 4 था उसका पहला कोर अभी फिनिश हुआ था, और जैसे सेकेंड कोर था वो जनवरी 2023 में आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है किंगडम के बारे में। जो सीज़न 5 था उसे अनाउंस कर लिया गया है जनवरी 2024 के लिए। तो एनीमे में इतनी न्यूज थी। तो अपनी पहली मेजर न्यूज़ है वन पीस के बारे में। तो उसकी गेम थी वन पीस ओडेसी, उसे फाइनली रिलीज डेट मिल चुकी है जो कि जनवरी 13, 2023 में आ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है लव लाइफ के बारे में। तो उसकी गेम है स्कूल आइडल फेस्टिवल 2 मिरेकल लाइफ, उसे अनाउंस कर लिया गया दोनों जैपनीज और ग्लोबल वर्जन के लिए, और इसमें एनिमे जितने भी ग्रुप्स और इसके सॉन्ग्स थे वो सब इंक्लूड हो गए। तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है नारुतो के बारे में। तो उसकी एनिमे ने 20 साल
प्रोडिक्ट कर लिया है और इसी के ऊपर इसका स्पेशल ट्रेलर रिलीज किया गया है जो काफ़ी सही है देखने के लिए। तो आज न्यूज़ तो इतनी थी, पर आपने नोटिस किया होगा जो मैक्सिमम न्यूज़ थी वो नेटफ्लिक्स से आ रही थी। आज उनका इवेंट था टू डूम, वो हाल ही में फिनिश हुआ था। ऑल्सो जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसे फॉलो कर लिएगा, उसमें बहुत सारा न्यूज़ और एनिमे कंटेंट आने वाला है। और जो सीज़न था ये एंड हो चुका है और जो फॉल सीज़न था वो अब शुरू हो चुका है, जिसमें हम फिर से 3 एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज तो इतना ही था, मिलता आपसे नेक्स्ट एनिमे में। तो सनर बाय। खुद को लगा मैं आसमान में।